हेलो बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने अपनी एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट कर ली थी। आज हमें जो करना है वो है हमारी एक्सरसाइज 4.3। और जैसा कि मैंने कहा था कि इसमें हमें आज ग्राफ का बहुत ज़्यादा वर्क है, ठीक है? तो आपको ये ग्राफ कॉपी पे करना है आज सारा काम, क्योंकि आज हमें इक्वेशन के ग्राफ्स बनाने हैं, ठीक है? तो शुरू करते हैं आज का। तो हमें जो आज स्टार्ट करना है, सबसे पहले हमें जो एग्जाम्पल करना है वो हमारा एग्जाम्पल नंबर 5 है, ठीक है? एग्जाम्पल नंबर 5 में ग्राफ नहीं ड्रॉ करना, इसके अंदर हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया है तो लिखा है, देखो, द गिवन द पॉइंट 1, 2। आपको एक पॉइंट दिया, मतलब कोऑर्डिनेट दिया गया है 1, 2। आपको कोऑर्डिनेट क्या दिया गया है? 1, 2। कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन ऑन विच इट लाइज, हाउ मैनी सच इक्वेशन आर देयर। अब कह रहे कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन, कि इसका इक्वेशन आपको फाइंड करना है, ठीक है ना? इसके लिए आपको इक्वेशन फाइंड करनी है कि जिस इक्वेशन की लाइन पर ये कोऑर्डिनेट आता है, ठीक है? तो जैसा कि आपको पता है कि कोऑर्डिनेट में हमेशा आगे वाली वैल्यू जो होती है वो एक्स की होती है और पीछे वाली वैल्यू जो होती है ये वाई की होती है। तो आपको एक ऐसी इक्वेशन लिखनी है जो इस चीज को सेटिस्फाई कर दे। तो हम इसको कैसे करेंगे, हमें इसमें इक्वेशन बनाना है। तो आप लिखेंगे वी नो दैट इन दिस क्वेश्चन एक्स इजिकल टू 1 है, वाई इजिकल टू 2 है। अब आपको एक इक्वेशन ऐसी बनानी है जो इसको सेटिस्फाई कर सके, ठीक है? तो जैसा कि मैंने बताया था कि इसके हम बहुत सारे सॉल्यूशंस बना सकते हैं, तो ऐसे ही इस सॉल्यूशन से हम कई इक्वेशन भी बना सकते हैं, ठीक है? एक हमारे एक इक्वेशन के, जिस तरीके से एक इक्वेशन के कई बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकते हैं, वैसे ही एक सॉल्यूशन के इनफाइनाइट इक्वेशंस भी हो सकते हैं, ठीक है? जैसे अब अगर मुझे इनका इक्वेशन बनाना है तो मैं क्या कर सकता हूं, देखो, x प्लस वाई, अगर मैं x प्लस वाई कर दूं तो क्या आएगा, 1 और 2, 3। क्या ये इसको सेटिस्फाई करता है? तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल करता है। अगर मैं x की वैल्यू 1 रखूंगा, y की वैल्यू 2 रखूंगा, तो दोनों को ऐड करके कितना आ जाएगा, 3। तो यानी ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। अगर मुझे एक और इक्वेशन बनानी है इसकी, तो मैं इसकी एक इक्वेशन ये भी बना सकता हूँ, वाई माइनस एक्स इजिकल टू 1। क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है? तो आप कहेंगे हाँ सेटिस्फाई कर रहा है, कि वाई को एक्स से माइनस करेंगे तो 2 में से 1 माइनस होगा, कितना आएगा, 1। ठीक है, आपको एक इक्वेशन लिखने के लिए बोला था, आप और भी लिख सकते हैं, ठीक है? और क्या लिख सकते हैं आप, ये भी लिख सकते हैं एक्स वाई इजिकल टू 2, एक्स वाई इजिकल टू 2। अरे एक्स की वैल्यू 1 है, वाई की वैल्यू 2 है, मल्टीप्लाई करोगे तब भी क्या आएगा, 2। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं y अपॉन x इजिकल टू 2। आप इसमें ऐसे भी लिख सकते हैं x अपॉन y इजिकल टू 1 अपॉन 2। तो हम बहुत सारे इक्वेशन ऐसे, इसके बहुत सारे इक्वेशन लिख सकते हैं। बस आपको यह देखना है कि आप जो भी उसके अंदर कर रहे हैं, ठीक है ना, एडिशन कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, वो आपके इन वैल्यू को सेटिस्फाई करना चाहिए, ठीक है ना? तो जो भी आप इसके अंदर कर रहे हैं, जो भी ऑपरेशन कर रहे हैं, आप एडिशन कर रहे हैं, तो आपको ये चेक करना है कि ऐड करके वही आना चाहिए जो एक्चुअल में इनके कोऑर्डिनेट्स दिए हैं उनको ऐड करके आता है। जैसे हमने एक्स प्लस वाई किया 3, आप यहाँ देखेंगे इन दोनों को ऐड करेंगे तो 3 ही आएगा। फिर मैंने लिखा वाई माइनस एक्स इजिकल टू 1, यहाँ आप माइनस करेंगे तो देखेंगे 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 ही आएगा। इसी तरीके से मैंने लिखा एक्स वाई, एक्स इंटू वाई इजिकल टू 2, आप यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही आएगा। तो ये चीज़ आपको चेक करके लिखना है, ऐसा नहीं कि अपनी मर्जी से कुछ भी लिख दिया। तो ये बात समझ में आ गई? तो हमें इक्वेशन लिखने के लिए बोला था, हमें एक इक्वेशन बोला था, हमने 5 इक्वेशन लिख ली। आप और भी लिख सकते हैं, ठीक है? आप ऐसे और चीजें पता लगाएं जिनसे, जिसमें इसे अप्लाई करने से क्या नाम है, ये वैल्यू सेटिस्फाई कर जाए, ठीक है? अच्छा, अब आपसे बोला गया कि हम ऐसे कितने इक्वेशन इसके लिख सकते हैं, तो मैंने आपको बताया था इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस, ठीक है? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, तो आप इसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस लिख सकते हैं। तो ये आप इस क्वेश्चन, पहले इक्वेशन लिख लीजिए,
और इसमें ये भी लिख लीजिए कि वी कैन राइट इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, सॉरी मैनी इक्वेशन, सॉल्यूशन तो यहां पे आपको दे ही रखा ना, इक्वेशंस ऑफ दिस कोऑर्डिनेट। तो एक कोऑर्डिनेट के इनफाइनाइट इक्वेशन भी हो सकते हैं, उल्टा होता है, ठीक है। इसको आप जल्दी से लिखिए। कर लिया होगा बच्चों। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल नंबर सिक्स। एग्जाम्पल नंबर सिक्स में आपको एक इक्वेशन दे रखी है और उसमें आपको कह रहा है कि इसका ग्राफ ड्रॉ करो। एग्जाम्पल नंबर सिक्स में आपको इक्वेशन दे रखी है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू सेवन, ठीक है। एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू सेवन और आपको कहा जा रहा है कि इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। आपको क्या ड्रॉ करना है? ग्राफ। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए किसी भी इक्वेशन का आपको क्या करना होता है? सबसे पहले आपको इसके दो सॉल्यूशंस फाइंड करने होते हैं। क्या फाइंड करने होते हैं? इसके दो सॉल्यूशंस। और दो सॉल्यूशंस आप कैसे फाइंड करेंगे? तो इसके लिए मैंने आपको बताया था, जब भी दो सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए आए ना, तो एक बार आप लेट कर लो एक्स इजिकल टू जीरो और एक बार आप लेट कर लो वाई इजिकल टू जीरो। तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं एक्स इजिकल टू जीरो। तो जब आप एक्स को जीरो मानोगे तो जीरो प्लस वाई इज इक्वल टू सेवन, यानी वाई की वैल्यू क्या आ गई? सेवन। तो पहला सॉल्यूशन क्या आ गया आपका? पहला सॉल्यूशन आ गया आपका जीरो सेवन। जब एक्स की वैल्यू जीरो है तब वाई की वैल्यू सेवन है। फिर आपको दूसरा लेट करना है वाई इज इक्वल टू जीरो। तो जब आप वाई इज इक्वल टू जीरो लेट करेंगे तो एक्स की वैल्यू तो वही है पर वाई की वैल्यू जीरो इज इक्वल टू सेवन, तो एक्स इज इक्वल टू सेवन, यानी दूसरा जो सॉल्यूशन आया वो आया सेवन जीरो। तो जब आप इसका बॉक्स बनाएंगे तो बॉक्स में आपको भरना है एक्स वाई, एक्स वाई। जब एक्स जीरो था तब वाई सेवन था और जब वाई जीरो था तब एक्स सेवन था, ठीक है। तो किसी भी ग्राफ को खींचने के लिए कम से कम दो तो चाहिए होते हैं, दो कोऑर्डिनेट चाहिए होते हैं, इसलिए हमने दो निकाले। आप चाहें तो ज्यादा भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर आपका मन है तो आप ज्यादा सॉल्यूशन भी निकाल सकते हैं, बट मिनिमम हमें दो सॉल्यूशन चाहिए होते हैं। तो हमने दो निकाल लिए, अब हमें इसका ग्राफ बनाना है। तो भाई ग्राफ बनाने के लिए ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। इनकी वैल्यू लिख देंगे आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8, -1 -2 और नीचे भी -1। ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है नीचे, जिनका हमें काम नहीं है उसको ज्यादा मत डालना। अब हम देखेंगे हमारे सॉल्यूशन क्या था। एक है 07 और एक है 70। 07 कहाँ आएगा? एक्स की वैल्यू जीरो वाई की वैल्यू सेवन, एक्स की वैल्यू जीरो वाई की वैल्यू सेवन, ये है 07। और 70 कहाँ आएगा? एक्स की वैल्यू सेवन वाई की वैल्यू जीरो, तो ये रहा एक्स की वैल्यू सेवन वाई की वैल्यू जीरो। तो आपको इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए एक लाइन खींचनी है और ये आपका इस इक्वेशन का ग्राफ बन गया। तो समझ में आ रही होगी आपको बात, ठीक है। किसी भी इक्वेशन का ग्राफ बनाने के लिए उसके दो सॉल्यूशन निकालो और दो जो सॉल्यूशन इसके कोऑर्डिनेट्स आएंगे उन कोऑर्डिनेट्स को मिला दो ग्राफ पे,
वो आपका इस इक्वेशन का ग्राफ बन जाएगा। और आप चाहें तो इस लाइन के ऊपर लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 7। तो ये इसी इक्वेशन का ग्राफ है, इसको नोट करो आप लोग जल्दी से, फिर आगे बताता हूं। ओए यहां से जाके इधर इधर शोर मत मचाओ बिल्कुल। हेलो, नोट कर लिया होगा बच्चों, ठीक है आगे बढ़ते हैं। हाँ जी बच्चों, नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है वो है आपका एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल नंबर 7 में आपको क्या बोला हुआ है? एग्जाम्पल नंबर 7 में आपसे बोला है कि यू नो दैट द फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी। राइट एन इक्वेशन टू एक्सप्रेस दिस सिचुएशन एंड प्लॉट द ग्राफ ऑफ दिस इक्वेशन। कि आपको एक साइंस की आप स्टेटमेंट दी है कि आपको जैसे कि पता है कि जो जो फोर्स होता है किसी बॉडी पे लगने वाला, वो उसके एक्सेलरेशन, उस पे होने वाले एक्सेलरेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जब आप साइंस का चैप्टर पढ़ेंगे ना, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, तब आप वहां पे पढ़ेंगे कि फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इंटू में एक्सेलरेशन। ठीक है, क्या होता है? मास इंटू में एक्सेलरेशन। इसमें से मास जो होता है हमारा कॉन्स्टेंट होता है। अरे अगर आप अपनी बात करें कि अगर आपको किसी चीज पे आप फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, आप अपनी पूरी बॉडी से फोर्स लगा रहे हैं, तो उसमें आपका मास तो कांस्टेंट रहेगा, आपका मास तो चेंज नहीं हो सकता ना। अगर आप 50 किलो के हैं तो आप 50 किलो के ही रहेंगे, उसमें से आप बिल्कुल चेंज नहीं कर सकते। चेंज जो होगा, आप जो फोर्स लगा रहे हैं वो फोर्स कब चेंज होगा? अरे आप कभी किसी चीज पे ज्यादा फोर्स लगाते हैं, कभी किसी चीज पे कम फोर्स लगाते हैं। ये फोर्स ज्यादा और कम किस चीज से होता है? ये फोर्स का ज्यादा या कम होना आपके एक्सेलरेशन पे डिपेंड करता है। अगर एक्सेलरेशन ज्यादा है तो फोर्स भी ज्यादा होगा, अगर एक्सेलरेशन कम है तो फोर्स भी कम होगा। इसका मतलब यही है कि फोर्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्सेलरेशन के। कि अगर एक्सेलरेशन ज्यादा है तो फोर्स भी ज्यादा होगा, एक्सेलरेशन कम है तो फोर्स भी कम होगा। ठीक है, तो यहां पे आपसे क्वेश्चन में यही बोला गया है कि ये फोर्स जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्सेलरेशन के। ठीक है, तो अगर हम जब भी प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो उसकी जगह पे कांस्टेंट लगाते हैं। तो मान लेते हैं हमारा यहां पे कांस्टेंट क्या है? के। ठीक है, और वहां पे एक्सेलरेशन तो ये है ही। ठीक है, आपसे बोला है कि इसका आपको क्या बनाना है? इक्वेशन। तो ये बन गया इसका इक्वेशन। ठीक है, तो सबसे पहले इसके इक्वेशन लिखनी है, तो इक्वेशन आपका यही बन गया। चाहे तो आप मास लिखें, ठीक है, फोर्स आप जब पढ़ेंगे तो इसका फॉर्मूला यही होता है, एफ इजिकल टू के एम ए, और यहाँ के की वैल्यू 1 होती है तो एफ इजिकल टू एम ए निकल के आता है। ये आपका फॉर्मूला है फोर्स का। और उसके बाद आपको कह रहा है कि इसका आपको ग्राफ भी प्लॉट करना है। क्या प्लॉट करना है आपको? इसका ग्राफ। ठीक है, तो यहाँ पे आप के को छोड़ देंगे, ठीक है, अच्छा अब आपको करना क्या है कि ना इस के, या आप तो के मान लो या इसको एम मान लो, ठीक है ना, एम ही रहने देते हैं।
कि भाई जो फोर्स का फॉर्मूला होता है हमारा क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है, या इसको के के अगर आपको लिखना है तो के लिखना, और यहां पे लिखना वेयर के इज मास ऑफ ऑब्जेक्ट, के इज मास ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट का मास आपको कुछ मानना है जो कि कांस्टेंट है, ऑब्जेक्ट का मास आपको कुछ मानना है जो कि क्या है, कांस्टेंट। जैसे आप जिस भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहे हैं हम उस ऑब्जेक्ट का मास मान लेते हैं, लेट मास ऑफ ऑब्जेक्ट, मास ऑफ ऑब्जेक्ट इज 5 किलोग्राम, लेट मास ऑफ ऑब्जेक्ट इज 5 किलोग्राम, कि किसी ऑब्जेक्ट का मास 5 किलोग्राम है। अब उस पे फोर्स कितना लगेगा जब हम एक्सेलरेशन चेंज करेंगे तो, ठीक है। तो अगर मास 5 किलोग्राम है तो फोर्स का फॉर्मूला क्या हो गया, मतलब यहां पे 5a F इजिकल टू क्या बन गया, 5a, ये हमारी इक्वेशन बन गई, क्या बन गई हमारी इक्वेशन, ठीक है। अब अगर आपको इसका ग्राफ खींचना है, ग्राफ बनाना है, ठीक है, तो ग्राफ हम इसका कैसे ड्रॉ करेंगे, तो सबसे पहले हम वही किसी भी एक की वैल्यू रखोगे दूसरे की वैल्यू आएगी, पर आपको हमेशा फोर्स की वैल्यू निकालनी है और वैल्यू पुट किसकी करनी है, ए की। तो पहले आप लेट करो ए इजिकल टू जीरो, जब ए इजिकल टू जीरो होगा तो एफ इजिकल टू 5 × 0, तो एफ भी कितना हो जाएगा, 0। नाउ अब आपको लेना है ए इजिकल टू 1, तो ए इजिकल टू 1 लेने पे एफ कितना हो जाएगा, 5 × 1, एफ आ जाएगा 5। तो आपका क्या बन गया, बॉक्स, आपका बॉक्स बनेगा ए और एफ का, ए और एफ का बॉक्स बनाएंगे आप, ए मतलब एक्सेलरेशन, एफ मतलब फोर्स, ठीक है। जब ए 0 था तब एफ भी 0 था, जब ए 1 था तब एफ 5 था, ठीक है। चाहे तो आप यहाँ पे ऐसे करके लिख लेना, यहाँ पे आया आपका सॉल्यूशन 0 0, यहाँ पे आपका सॉल्यूशन आया 1 5। अब आपको इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, तो ग्राफ में आपको ऐसे ड्रॉ कर लेना 0 1 2 3, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, नीचे लिख देना कि नीचे क्या है, एक्सेलरेशन, और इधर क्या लिख देना, फोर्स, इधर फोर्स है इधर एक्सेलरेशन है, नीचे 1 2 3, यहाँ पे -1 एक्स डैश एक्स, -1 वाई डैश एक्सिस, 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा पहला क्या था, 0 0, तो ये रहा 0 0, मिला देना है, और फिर क्या है, 1 5, एक्स की वैल्यू 1 वाई की वैल्यू 5, 1 5, इसको मिलाते हुए एक लाइन खींचनी है, ये आपका ग्राफ हो गया, ठीक है। आप स्केल से मिलाएंगे तो एकदम स्ट्रेट लाइन जाएगी, मैं बिना स्केल के मिला रहा हूँ तो थोड़ा आपको टेढ़ा मेढ़ा दिख रहा है, बाकी आप स्केल से करेंगे तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, ठीक है। नोट करो इसको, फिर आगे करते हैं। समझ में आ गया बच्चों आप लोगों को, ये कर लिया, एक बार फिर से बता रहा हूँ मैं आपको ये। तो इसमें आपको क्वेश्चन में बोला है कि जो फोर्स होता है वो एक्सेलरेशन के डायरेक्टली प्रपोर्शनल होता है। मास तो किसी भी चीज का कांस्टेंट होता है, आप किसी भी चीज पे फोर्स लगा रहे हैं तो उसका मास कांस्टेंट है, जो फोर्स चेंज होता है वो एक्सेलरेशन की वजह से होता है। तो जब आप इस डायरेक्टली प्रपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो कांस्टेंट आ जाता है। मान लेते हैं यहाँ पे हमारा कांस्टेंट जो है वो मास ही है, ठीक है। एक्चुअल में पूरा फॉर्मूला जो होता है वो F इजिकल टू के एम ए होता है, पर यहाँ पे K की वैल्यू 1 होती है, हम यहाँ पे मास हम K को मान लेते हैं, ठीक है। और मास हमने ऑब्जेक्ट का मान लिया 5 किलोग्राम, मास कितना मान लिया, 5 किलोग्राम, ठीक है। तो अगर मास 5 किलोग्राम है तो फोर्स हमेशा 5a आएगा, ठीक है, 5 × मैं एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की वैल्यू आपने जब 0 थी, a की वैल्यू 0 होगी तो फोर्स भी 0 हो जाएगा, a की वैल्यू 1 होगी तो फोर्स कितना आ जाएगा, 5। और इसी का ग्राफ आपको बना देना है बस, तो आपका क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 8। इस एग्जाम्पल में क्या किया गया है, इस एग्जाम्पल में ना आपको तीन ग्राफ दिए हुए हैं, तीन ग्राफ आपको पहले से ड्रॉ करके दिए हुए हैं, ठीक है। मैं इसमें से पहला ग्राफ आपके सामने बना रहा हूं, कुछ ऐसा है। ठीक है, और आपको एक दे रखा है -1 -2, फिर दे रखा है 0 0, फिर दे रखा है 1 2, और इस लाइन को ऐसे मिलाया हुआ है 1 2 0 0 -1 -2। ठीक है, इसको मैं अलग कलर से लिख देता हूँ, एक मिनट वेट। यहां पे है -1 -2, ठीक है। और आपको ना चार इक्वेशन दिए गए हैं क्वेश्चन में, आपको क्या किया गया है, चार इक्वेशन दिए गए हैं। इक्वेशन भी मैं लिख रहा हूं, पहला है x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, दूसरा है y इज इक्वल टू 2x, तीसरा है y इज इक्वल टू x, और चौथा है y इज इक्वल टू 2x प्लस 1। तो ये चार इक्वेशन आपको दिए गए हैं और आपसे बोला जा रहा है कि कौन सा इक्वेशन इस ग्राफ के लिए है, इनमें से कौन सा इक्वेशन इस ग्राफ का इक्वेशन है, ठीक है। इनमें से कौन सा इक्वेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन ऑफ दिस ग्राफ, ठीक है ना, इनमें से कौन सा इक्वेशन इस ग्राफ का है। तो आपको क्या करना है, इस ग्राफ से आपको क्या पता चल रहा है, इस ग्राफ से आपको तीन सॉल्यूशंस पता चल रहे हैं। क्या पता चल रहे हैं, तीन सॉल्यूशंस। कौन से तीन सॉल्यूशंस, आप देख सकते हैं, एक सॉल्यूशन है 1 2, दूसरा है 0 0, तीसरा है -1 -2। तीन सॉल्यूशन मिल रहे हैं, आपको क्या करना है, इन इक्वेशंस के अंदर इन तीनों सॉल्यूशन को रख के चेक करना है। जिस इक्वेशन में ये तीनों सॉल्यूशन सेटिस्फाई कर जाए वो इक्वेशन इस ग्राफ का बन जाएगा। अगर एक भी सॉल्यूशन सेटिस्फाई नहीं करता तो वो इक्वेशन फिर इस ग्राफ का नहीं बनेगा। तो आइए चेक करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन में रखते हैं, फर्स्ट इक्वेशन आपके सामने है x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। तो इसमें आपको तीन सॉल्यूशन रखने हैं। सबसे पहले आप लिख लेना, वी हैव थ्री सॉल्यूशंस, थ्री सॉल्यूशंस। कौन से थ्री सॉल्यूशंस है आपके पास, 1 2, 0 0 एंड -1 -2, ठीक है, ये तीन सॉल्यूशन है। अब आपको पहले इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 1 जो है x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, एक एक को रख के चेक करो। सबसे पहले आपने लेट किया, लेट x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2, तो भाई 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 0, यहां आ गया 3, यहां आ गया 0, क्या ये बराबर है, तो आप कहेंगे ये बराबर नहीं है। तो यहां पहली ही वैल्यू सेटिस्फाई नहीं कर रही, सेटिस्फाई नहीं कर रही, इसका मतलब क्या कह सकते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 इज नॉट द इक्वेशन ऑफ दिस ग्राफ, ठीक है। हिंदी में क्या लिखेंगे, x प्लस वाई बराबर 0 इस ग्राफ का समीकरण नहीं है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 इस ग्राफ का समीकरण नहीं है, ठीक है। और ऊपर क्या लिखेंगे, हमारे पास तीन हल हैं, हमारे पास तीन हल हैं, 1 2 0 0 तथा -1 -2। और यहां पे हिंदी में क्या लिखेंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 इस ग्राफ का हल, सॉरी हाँ, इस ग्राफ का समीकरण नहीं है। तो ये पहला हो गया, पहला चेक कर लिया आपने। अब आ जाएंगे सेकेंड इक्वेशन में,
ये रहा सेकेंड इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन में रख के देखेंगे। सेकेंड इक्वेशन आपके सामने है y इक्वल टू 2x, चेक करो। तो भाई सबसे पहले आपको लेट करना है x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2। तो y की वैल्यू 2 रखो इक्वल टू x की वैल्यू 2 इंटू में 1। एक काम करो इसको नोट कर लो फिर आगे बताता हूँ, इतना नोट करो फिर बताता हूँ आगे। हाँ जी कर लिया होगा, इसके आगे से करा रहा हूं। तो आपने y इजिकल टू 2x था जिसमें y की वैल्यू 2 रखी इंटू इजिकल टू 2x था, तो 2 इंटू में x की वैल्यू 1 रखा है। तो इससे क्या हो जाएगा, इधर भी 2 आ जाएगा और 2 1 जा 2 इधर भी आ जाएगा। तो भाई पहला तो सेटिस्फाई कर गया, पर हमें एक से खुश नहीं होना, अभी हमें दो वैल्यू और रखनी है। ठीक है, कितनी और वैल्यू रखनी है, दो और वैल्यू। एक एक वैल्यू तो हम रख चुके हैं, दो और वैल्यू रख के देखनी है। फिर नाउ फिर से आपको लेट करना है एक्स इजिकल टू 0। आपके पास दूसरा सॉल्यूशन क्या था, 0 0। तो एक्स इजिकल टू 0 और वाई इजिकल टू 0, तो वाई की जगह 0 इजिकल टू 2 इंटू एक्स की जगह 0। तो 0 बराबर इधर भी क्या आ गया, 0। तो ये भी सेटिस्फाई कर गया, पर हम अभी भी खुश नहीं होंगे, अभी हमें तीसरी वैल्यू भी रख के देखनी है। तो फिर से हम लेट करेंगे x इजिकल टू -1 एंड y इजिकल टू -2। फिर से अब हमें रख के देखना है, फिर से हमारी इक्वेशन क्या है, y इजिकल टू 2x, y की जगह -2 और 2 इंटू x की जगह -1। तो -2 और यहाँ पे 2 -1 से मल्टीप्लाई होगा तो -2। अब यहाँ पे दोनों तरफ -2 आ गया, अब हम खुश हो सकते हैं। क्यों, क्योंकि हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है और हम कह सकते हैं कि देयरफोर y इजिकल टू 2x इज द इक्वेशन ऑफ दिस ग्राफ। मतलब हिंदी में लिखेंगे y बराबर 2x इस ग्राफ का समीकरण है। ठीक है, यहां पे तीनों वैल्यू सेटिस्फाई कर गई ना, पहली वैल्यू में भी बराबर बराबर आ गया, दूसरी वैल्यू में भी बराबर बराबर आ गया, तीसरी वैल्यू में भी बराबर बराबर आ गया। इसका मतलब कि ये जो इक्वेशन है वो इसी ग्राफ का है। ठीक है, बाकियों में भी रख के चेक कर लेना, बाकियों में रखेंगे तो कहीं पे भी बराबर नहीं आएगा। आप यहाँ पे रख के देखो, जब यहाँ पे आप y की वैल्यू 2 रखेंगे, यहाँ पे 1 रखेंगे तो बराबर आएगा, नहीं आएगा। यहाँ भी बराबर नहीं आएगा, यहाँ पे रख के देखो, y की वैल्यू 2 रखो, x की वैल्यू 1 रखो, +1। तो 2 इजिकल टू 2, 1 या 2 +1, 2 और इधर 3, इधर भी बराबर नहीं आया तो इधर भी नहीं आएगा। मतलब सेकेंड इक्वेशन ही इस ग्राफ का है। ठीक है, वैसे भी तीन सॉल्यूशन जब दिए जाते हैं ना एक साथ, तो कोई तीन सॉल्यूशन एक ही ग्राफ का मतलब एक ही इक्वेशन का हो सकता है। तो यहाँ पे एक इक्वेशन का आ चुका है, तो अगले कोई और इक्वेशन में नहीं आएगा। ये कर लो जल्दी से। इस क्वेश्चन के ना और दो पार्ट हैं, वो दो पार्ट आप खुद करेंगे, नेक्स्ट क्लास में आप चेक कराएंगे कि हाँ आपने किया है कि नहीं किया। तो कर लिया होगा बच्चों आपने। ठीक है, नेक्स्ट जो है, अब एग्जाम्पल हमारे खत्म हो गए, अब हम आ जाते हैं अपनी एक्सरसाइज पे। इसके बाद हम दो तीन और क्वेश्चन करेंगे, फिर आज के लिए फिर उतना ही रखेंगे। ठीक है ना, हम आ जाते हैं एक्सरसाइज 4.3 पे। एक्सरसाइज 4.3 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना, उसके अंदर आपको बहुत सारे क्या, टोटल चार इक्वेशन दे रखी है। ठीक है, इक्वेशन दे रखी है चार, और आपको पूछा जा रहा है, आपसे इसमें बोला जा रहा है कि इसके ग्राफ ड्रॉ करो।
इनके ग्राफ ड्रॉ करने हैं। तो सबसे पहला इक्वेशन, पहला नहीं, मैं आपको एक काम करता हूं, मैं आपको इसका फोर्थ इक्वेशन करा देता हूं, पहले का फोर्थ। ठीक है, पहले के फोर्थ में क्या बोल रहा है, थ्री इज इक्वल टू टू एक्स प्लस वाई, थ्री इज इक्वल टू टू एक्स प्लस वाई, थ्री इज इक्वल टू टू एक्स प्लस वाई। तो इसमें हमें क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है। सबसे पहले आपको वही मैंने हमेशा बताया, जब भी आपको ग्राफ बनाना हो तो दो वैल्यू आप पुट करेंगे, ठीक है, एक बार दो सॉल्यूशन निकालेंगे। एक बार आपको एक्स की वैल्यू रखनी है जीरो, एक बार लेट कर लेते हैं एक्स इजिकल टू जीरो, और एक बार वाई इजिकल टू जीरो। तो सबसे पहले एक्स जीरो रखें, तीन इजिकल टू दो गुना में एक्स की वैल्यू जीरो है प्लस वाई, तो थ्री इजिकल टू, ये तो जीरो हो गया वाई, तो वाई की वैल्यू थ्री आ गई। तो जब एक्स जीरो तो वाई कितना है, थ्री। फिर दोबारा में जब आप y इजिकल टू जीरो रखोगे, देखो यहां पे y जीरो रखेंगे ना, तो x की वैल्यू जो आएगी वो 1.5 आएगी। तो एक काम करना, y को जीरो मत रखना, हमें पॉइंट में कुछ नहीं चाहिए, ठीक है, हमें पॉइंट में कुछ नहीं चाहिए। एक सेकेंड, हाँ, तो यहां पे एक बार हम लेट कर लेते हैं x इजिकल टू वन, ठीक है, x को वन लेट कर लेते हैं। थ्री इजिकल टू टू, x की वैल्यू क्या लिख लिया, वन प्लस वाई, थ्री इजिकल टू टू प्लस वाई, तो y इजिकल टू थ्री माइनस टू, y इजिकल टू कितना आ जाएगा, वन। तो जब x की वैल्यू वन है तो y की वैल्यू भी क्या आ गई, वन। अगर मैं अभी y इजिकल टू जीरो लेता ना तो x की वैल्यू 1.5 आती, पर हम कभी भी जब ग्राफ बनाते हैं ना किसी का, तो हम मतलब इस चीज को ज्यादा से ज्यादा अवॉइड करने की कोशिश करते हैं कि हमारे कभी भी पॉइंट में वैल्यू ना आए, क्योंकि पॉइंट में वैल्यू जब आ जाती है तो वो ग्राफ पे प्लॉट करने में काफी मुश्किल आती है। तो हम ऐसे नंबर मानेंगे, ऐसे नंबर लेट करेंगे जो ज्यादा ज्यादा क्या आ सके, होल नंबर में, ठीक है। ऐसी वैल्यू हमें माननी है जो हमेशा होल नंबर में आए, ताकि हम उसको आसानी से प्लॉट कर सकें, क्योंकि क्योंकि पॉइंट वाली वैल्यू को हम प्लॉट करना हमें थोड़ा मुश्किल होता है। तो यहां पे आप देखो, हम इसको बहुत आसानी से प्लॉट कर सकते हैं। अब देखेंगे एक्स और वाई, एक्स की जब एक्स की वैल्यू जीरो थी तो वाई की वैल्यू थ्री आई, और जब एक्स की वैल्यू वन थी तो वाई की वैल्यू भी कितनी आई, वन। ठीक है, तो ये आपके दो सॉल्यूशन आ गए हैं। अब आप इसको, आपको इसका ग्राफ बनाना है, तो जीरो वन टू थ्री, वन टू थ्री, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, वन टू थ्री, वन टू थ्री, माइनस वन माइनस वन, वाई डैश एक्स डैश। हाँ भाई, तो पहली वैल्यू है जीरो थ्री, जब एक्स जीरो है तो वाई थ्री है, जीरो थ्री, ये रहा वन वन, जब एक्स वन है तो वाई वन है, तो ये रहा वन वन। ठीक है, तो बस इसको, सॉरी, इनको मिलाते हुए आपको एक लाइन खींचनी है इस तरीके से, ठीक है, तो बस ये आपका इसका ग्राफ बन गया। तो बहुत ही सिंपल है, हमेशा आपको दो सॉल्यूशन निकालने हैं, उन दो सॉल्यूशन को प्लॉट करके उनको एक स्ट्रेट लाइन में मिला देना है, वो आपका ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, जल्दी से इसे नोट करो, फिर हम एक और क्वेश्चन कर लेते हैं आज के लिए, उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है, इसे नोट करो। कर लिए बच्चों, नहीं किया तो वीडियो को पॉज करके कर लेना, ठीक है, नोट कर लो इसको। बाकी अब हम करते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन।
हाँ जी, तो क्वेश्चन नंबर टू देखेंगे। क्वेश्चन नंबर टू बिल्कुल वैसा ही है जैसा अभी हमने एक एग्जाम्पल किया था। इसमें भी आपको एक कोऑर्डिनेट दे रखा है, आपको एक कोऑर्डिनेट दे रखा है 214, 214, और बोला है कि बताओ इसका एक कह रहा है कि गिव द इक्वेशन ऑफ टू लाइन्स पासिंग थ्रू 214, हाउ मैनी मोर सच लाइन्स आर देयर एंड वाई। कह रहा है कि इस पॉइंट से गुजरने वाली दो लाइन की इक्वेशन लिखनी है आपको, कितनी इक्वेशन लिखनी है, दो, ठीक है ना, टू इक्वेशंस लिखनी है। और कह रहा है कि इसकी और कितनी इक्वेशंस वाली लाइनें इससे पास हो सकती हैं। तो सबसे पहली बात मैंने आपको बताया था कि किसी एक पॉइंट से होकर इनफाइनाइट लाइन पास हो सकती है, किसी एक पॉइंट से होकर इनफाइनाइट लाइन पास हो सकती है, ठीक है, पर हमें उस इनफाइनाइट में से कोई दो लिखनी है। तो मैंने यहां पे आपको बता दिया कि लेट एक्स की वैल्यू क्या है आपके पास, दो, और वाई की वैल्यू कितनी है, 14। अब आपको इनसे मिला के कोई दो इक्वेशन बनानी है जिनसे ये वैल्यू सेटिस्फाई करें। तो सबसे पहले अगर मैं इक्वेशन बनाऊं एक्स प्लस वाई, इनको जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए, देखो 2 और 14 को जोड़ते तो कितना आता है, 16। तो एक इक्वेशन तो आपने ये बना दी, ठीक है, और इक्वेशन बनाओ इसी से भाई, इसमें से ये घटा देंगे तो कितना आएगा, वाई माइनस एक्स कितना आना चाहिए, 12, 12, ठीक है, ये भी इक्वेशन बन गई। मेरे को और बनानी है, हमें क्वेश्चन में दो ही बोला है तो हमारे दो बन चुके हैं, पर अगर हमें और बनाना हो इनकी मल्टीप्लाई करो कितना आ रहा है। सबसे अगर आपको तीन चार बोला जाए ना, आपको चार इक्वेशन भी बनाने को बोला जाए तो एक बार जोड़ दो, एक बार घटा दो, एक बार मल्टीप्लाई कर दो, एक बार डिवाइड कर दो, ये चार इक्वेशन तो आपकी ऐसे तैयार हो जाएंगी। इसके अलावा भी आप बहुत सारे अलग अलग ऑपरेशन इसमें लगा सकते हैं, जैसे आप कुछ ऐसा कर दो 2x+3y, और इनको जोड़ के देख लो कि 2x2 × 2 + 3 × 14 कितना आता है, 4, और इधर कितना आता है, 42, ठीक है, और इनको ऐड कर दो कितना आता है, 46, तो = 46, ये भी इसका एक इक्वेशन है। समझ में आ रही है आपको, तो ऐसा कुछ भी आप अप्लाई कर सकते हैं। = 14 × 2 = 28। चौथा y y अपॉन x तो करोगे तो कितना आना चाहिए, 7। तो आप ऐसा कोई आपसे दो बोला जा रहा है आप अनगिनत बना सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने चार बना दिए आपके सामने, पांच पांच इक्वेशन बना दिए, आप और भी कोई सा बना सकते हैं इनके अलावा भी, ठीक है। और आपसे पूछा है कि ऐसे कितने इक्वेशन आप बना सकते हैं, तो मैंने क्या बताया था, इनफाइनाइटली मैनी इक्वेशंस। तो इसका आंसर हो जाएगा इनफाइनाइटली मैनी इक्वेशंस। समझ में आ रहा है आपको, तो ये नोट कर लीजिए, ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर टू है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर टू। तो इसके बाद नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है ना।